India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं पूजा कवियागोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी छोटी मोटी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते एक नजर हेडलाइंस पर। अडानी समूह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक और याचिका में कथित घोटाले की सिटिंग जज के देखरेख और निगरानी में जांच की मांग। एलआईसी और एसबीआई की भूमिका की भी पड़ताल की हो जांच। बिना पक्षकारों को सुने बिना आदेश पारित करने के चलन पर सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी को लगाई फटकार का। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूरी तरह है उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को नागालैंड निकाय चुनाव को अधिसूचित करने का दिया निर्देश। 14 मार्च का है डेडलाइन। गैंगरेप पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया अहम फैसला। कहा, महिला गैंगरेप अपराध में सहयोग की हो सकती है दोषी, उम्र कैद तक की हो सकती है सजा। India Legal presents Courts Roundup. अडानी समूह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई। याचिका में सिटिंग जज की देखरेख में अडानी समूह के खिलाफ जांच की मांग की गई। आरोप लगाया गया कि अडानी एफपीयू में 3,200 रुपये प्रति शेयर की दर से एलआईसी और एसबीआई ने निवेश किया। कंपनियों के शेयरों की कीमतों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। कोर्ट से एलआईसी और एसबीआई की भूमिका की जांच की मांग की गई है। अडानी समूह की कंपनियों और विभिन्न कानूनों के तहत मुकदमा चलाने और भारतीय स्टेट बैंक और जीवन बीमा निगम द्वारा अडानी के शेयरों में निवेश करने के फैसले पर सवाल उठाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिका में हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अडानी समूह के खिलाफ जांच की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि अडानी समूह ने गलत तरीके से अपनी कंपनियों के शेयरों की कीमतों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है। याचिका में अडानी इंटरप्राइजेस के एफपीयू में 3,200 रुपए प्रति शेयर की दर से कथित रूप से भारी मात्रा में सार्वजनिक फंड का निवेश करने के लिए जीवन बीमा निगम और भारतीय स्टेट बैंक की भूमिका की जांच की मांग की गई है। जब बाजार की मौजूदा दर सेकेंडरी मार्केट में शेयर करीब 1,800 रुपए प्रति शेयर था। याचिका कांग्रेस नेता डॉक्टर जया ठाकुर द्वारा दायर की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि गौतम अडानी और उनके सहयोगियों ने लोगों के लाखों करोड़ों रुपए ठगे हैं। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज की देखरेख और निगरानी में सीबीआई, ईडी, डीआरआई, सेबी, आरबीआई, एफएफआईयू इन सभी जांच एजेंसियों द्वारा जांच की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में दो अन्य जनहित याचिकाओं पर विचार कर रहा है, जिसमें शॉर्ट सेलिंग के जरिए शेयर बाजार को नुकसान पहुंचाने के लिए हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ जांच की मांग की गई है। याचिकाओं पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को भारतीय निवेशकों को इस तरह के बाजार की अस्थिरता से बचाने के बारे में चिंता व्यक्त की थी और नियामक तंत्र को मजबूत करने पर केंद्र सरकार और सेबी के विचार मांगे थे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने नियामक ढांचे की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन का भी सुझाव दिया था। कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया था कि वो सेबी या अन्य प्राधिकरणों की भूमिका पर कोई संदेह नहीं कर रहा है। कल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को सूचित किया कि विशेषज्ञ समिति बनाने के सुझाव पर केंद्र को कोई आपत्ति नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने ये भी कहा कि ये उचित है कि केंद्र सरकार समिति के सदस्यों के नामों को सीलबंद लिफाफे में रखकर सुझाव दे। केंद्र के शीर्ष विधि अधिकारी ने कहा कि सेबी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। याचिकाकर्ता का ये भी कहना है कि इस बात की जांच की जानी चाहिए कि क्या एलआईसी और एसबीआई अडानी समूह की कंपनियों में निवेश करके निवेशकों और आम लोगों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज।
सुप्रीम कोर्ट ने उस तरीके पर कड़ी आपत्ति जताई जिसमें मामले के पक्षकारों को सुने बिना कई ट्रिब्यूनल समितियों और विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित कर रहे थे। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सिटी रवि कुमार की पीठ ने मामले की पार्टी को सुने बिना ऐसा ही एक आदेश पारित करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की खिंचाई की। एनजीटी के आदेश को चुनौती देने वाले एक मामले में अपीलकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने प्रस्तुत किया कि एनजीटी द्वारा भारी जुर्माना लगाने का फैसला उनके मुवक्किल को सुने बिना पारित किया गया था। इसके अलावा ये तर्क दिया गया कि ट्रिब्यूनल ने इस निष्कर्ष को नजरअंदाज कर दिया था कि विचाराधीन विनाशकारी विस्फोट अपीलकर्ता कंपनी के लिए जिम्मेदार नहीं थे। न्यायमूर्ति गवई ने टिप्पणी की, ये न्यायाधिकरण के कैसे काम कर रहे हैं, पार्टियों को नोटिस दिए बिना केवल समिति के रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित कर रहे हैं, ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूरी तरह से उल्लंघन है। न्यायमूर्ति रवि कुमार ने कहा कि शीर्ष अदालत के समक्ष मामलों के समाप्त होने से कई ऐसे उदाहरण थे। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2022 में इस बात पर खेद व्यक्त किया कि निचली अदालत या ट्रिब्यूनल के समक्ष हर मामला शीर्ष अदालत के समक्ष समाप्त हो रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने नागालैंड राज्य चुनाव आयोग को स्थानीय निकाय चुनावों को अधिसूचित करने और 14 मार्च 2023 तक एक आधिकारिक अधिसूचना के साथ पेश करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एस के कौल, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने नागालैंड विधानसभा के प्रस्ताव को चुनौती देने वाली पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और महिला अधिकार कार्यकर्ता रोजमेरी द्वेची द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। अप्रैल 2022 में नागालैंड राज्य ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया था कि राज्य सरकार ने सभी हितधारकों के साथ एक परामर्श बैठक आयोजित करने के बाद स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने का संकल्प लिया था। इसके साथ ही 29 जुलाई 2022 को शीर्ष अदालत ने राज्य चुनाव आयोग को जनवरी 2023 तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था, लेकिन राज्य चुनाव आयोग द्वारा दायर एक हलफनामे के अनुसार अभी तक चुनाव प्रक्रिया को अधिसूचित नहीं किया गया। जनवरी 2023 में राज्य सरकार ने चुनाव कार्यक्रम प्रदान करने के लिए कहा था। जवाब में एसईसी द्वारा चुनाव कार्यक्रम को अधिसूचित करने के लिए दो विकल्प प्रदान किए गए हैं। सुनवाई के दौरान खंडपीठ को नागालैंड राज्य के महाअधिवक्ता केएन बालगोपाल ने सूचित किया कि राज्य पहले विकल्प को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया है और राज्य चुनाव आयोग के अनुसार चुनावों को अधिसूचित करने के लिए आगे बढ़ सकता है। सुनवाई के दौरान पीयूसीएल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने ताजा हलफनामे में स्थानीय निकाय चुनाव कराने में हो रही देरी को सही ठहराने के लिए हिंसा और भावी हिंसा के आधार पर सहारा लिया है। महाधिवक्ता ने खंडपीठ को अवगत कराया कि ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक अलग राज्य की उनकी मांग पर विचार किए जाने तक विधानसभा चुनावों में भाग लेने के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो कुछ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा वर्चुअल सुनवाई के लिए तकनीकी व्यवस्था को खत्म करने से बेहद परेशान है। सुप्रीम कोर्ट ने हाइब्रिड सुनवाई विकल्प को भंग नहीं करने की सिफारिश की है। साथ ही कहा, जनता के पैसे का इस तरह का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने वर्चुअल सुनवाई को मौलिक अधिकार घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने कहा कि वो वर्चुअल तकनीक केवल महामारी के समय तक के लिए नहीं थी। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सभी मुख्य न्यायाधीशों को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सीखने की जरूरत है, भले ही वो टैक फ्रेंडली हो या फिर नहीं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि एक विशाल बजट आवंटित किया गया है जिसका उपयोग करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चीफ जस्टिस तकनीक को समझते हो या नहीं, वो कर्तव्य से बंधे हुए हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि ये स्थायी रूप से है और अब संरचना को इस तरह से खत्म नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम आदेश पारित करेंगे, हम सुनिश्चित करेंगे कि प्रौद्योगिकी की वजह से कोई पीछे नहीं छूटे। सीजेआई ने आगे कहा कि समस्या इसलिए शुरू हुई क्योंकि कुछ मुख्य न्यायाधीशों को टेक्नोलॉजी पसंद थी जबकि कुछ को नहीं थी। हालांकि उन्होंने कहा कि हर किसी को टेक्नोलॉजी से परिचित होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बताया कि केंद्र सरकार ने ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तीसरे चरण के लिए 7,000 करोड़ रुपए को मंजूर किया था।
जिसका इस्तेमाल वकीलों को तकनीक उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकता है। अदालत ने यह कहते हुए सुनवाई पूरी कर दी कि वो आदेश तैयार करेगी और पारित करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे पति पत्नी को जयपुर की एक ओपन जेल से उदयपुर की जेल में समान सुविधा के लिए साथ ही स्थानांतरित करने की अनुमति दी। कोर्ट ने अनुमति 45 वर्षीय महिला को गर्भधारण करने के लिए इलाज के अनुरोध पर दी। कोर्ट ने इसके अलावा संबंधित अधिकारियों से पैरोल के उनके अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया। कोर्ट ने इसके अलावा संबंधित अधिकारियों से पैरोल के उनके अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया। राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछले साल आकस्मिक पैरोल के उनके आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि पत्नी के पिछले विवाह से पहले से ही उसके दो बच्चे हैं। इसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके महेश्वरी की बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई की। पैरोल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ की तुलना में स्पष्ट रूप से भिन्न रुख अपनाया। आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने पिछले साल मई में इस आधार पर आकस्मिक पैरोल के लिए दोषियों की याचिका खारिज कर दी गई थी। पिछली शादी से पत्नी के पहले से ही 23 वर्ष और 16 वर्ष के दो बच्चे हैं। जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने जोर देकर कहा कि याचिकाकर्ता पैरोल के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है ताकि दंपत्ति इन कृत्रिम गर्भदान से गुजर सके और इस तरह से अनुरोध पर संबंधित अधिकारियों को द्वारा 2 सप्ताह के भीतर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग या एनसीआरडीसी को निर्देश दिया कि वो डेवलपर्स द्वारा किए गए अधूरे वादों के खिलाफ फ्लैट मालिक को द्वारा दायर याचिका पर नए सिरे से फैसला करें। न्यायमूर्ति एस रविन्द्र भट्ट और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने एनसीडीआरसी को बताया कि वो उपभोक्ता फोरम को मुआवजे के पहलू पर नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश नहीं दे रहा है क्योंकि अपीलकर्ता विस्तृत विवरण देने में विफल रहे हैं, लेकिन अवितरित वादों के पहलू पर विचार करने के लिए डेवलपर्स द्वारा फ्लैट मालिकों को बनाया गया। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं के लिए मुआवजे का दावा करने का कोई आधार नहीं था क्योंकि पूर्णता प्रमाण पत्र के बिना अपने संबंधित फ्लैटों का कब्जा लेकर वो भी कानून के गलत पक्ष में थे। खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि उपभोक्ताओं द्वारा शिकायतों को उपभोक्ता मंचों द्वारा इस आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि उपभोक्ताओं को पता था कि वो क्या खरीद रहे हैं। इसने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता द्वारा खरीदारी करने के बाद अक्सर उपभोक्ता फोरम के अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया जाता था और इसलिए अगर शिकायतों को इस आधार पर खारिज कर दिया जाता था कि उपभोक्ता जानते थे कि वो क्या खरीद रहे थे तो इसका उद्देश्य अधिनियम खत्म हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि खरीद के बाद पाई गई किसी भी कमी से पीड़ित उपभोक्ता के लिए उपभोक्ता मंचों के समक्ष राहत पाने का रास्ता खुल जाता है। खंडपीठ ने कहा कि ये समझने में विफल रही है कि एनसीडीआरसी का मतलब क्या था जब उसने देखा कि अपीलकर्ताओं को ये जानना चाहिए कि वो क्या खरीद रहे थे। शीर्ष अदालत ने इसके तर्क के लिए उपभोक्ता फोरम को फटकार लगाई और अप्रिय करार दिया। बात इलाहाबाद हाईकोर्ट की जिसने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि एक महिला बलात्कार का अपराध नहीं कर सकती, लेकिन अगर वो बलात्कारियों को सुविधा प्रदान करती है तो उस पर भी सामूहिक बलात्कार का मुकदमा चलाया जा सकता है। न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की पीठ विवादित आदेश को रद्द करने के लिए दायर आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। गैंगरेप मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि गैंगरेप में सहयोग करने वाली महिला भी दोषी हो सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि एक महिला बलात्कार का अपराध नहीं कर सकती है, लेकिन गैंगरेप अपराध में सहयोग की दोषी हो सकती है तो उस पर भी गैंगरेप का मुकदमा चलाया जा सकता है। दोषी महिला को भी 20 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। बलात्कार के अपराध से संबंधित आईपीसी की धारा 375 और 376 के प्रावधानों को बताते हुए न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने इस याचिका को खारिज कर दिया कि सामूहिक बलात्कार के मामले में एक महिला पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।
इन टिप्पणियों के साथ अदालत ने सुनीता पांडे की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसने अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ नगर के दिए गए आदेश को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि हालांकि आईपीसी की धारा 375 की स्पष्ट भाषा से ये साफ है कि एक महिला बलात्कार नहीं कर सकती, लेकिन आईपीसी की धारा 376 डी के मामले में ऐसा नहीं है। ये घटना जून 2015 में हुई थी। लड़की के पिता ने जुलाई 2015 में केस दर्ज कराया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी को आरोपी बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए और उसके साथ बलात्कार किया। अपने आदेश में अदालत ने सामूहिक बलात्कार के दायरे को ये कहते हुए स्पष्ट किया कि आईपीसी की धारा 376 डी के तहत एक अपराध स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष को ये इंकित करने के लिए सबूत पेश करना होगा कि एक या अधिक व्यक्तियों ने मिलकर कृत्य किया था। अगर बलात्कार एक भी व्यक्ति द्वारा किया गया था तो सभी अभियुक्त दोषी होंगे। इस तथ्य के बावजूद कि उनमें से एक या अधिक द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया था, दूसरे शब्दों में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये प्रावधान संयुक्त दायित्व के सिद्धांत को समाहित करता है और उस दायित्व का सार सामान्य इरादा है। सामान्य इरादा पूर्व सहमति को निर्धारित करता है जो कार्रवाई के दौरान सामने आए आरोपियों के आचरण से निर्धारित किया जा सकता है। पीठ ने हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य के मामले का उल्लेख किया, जहां संहिता की धारा 319 के दायरे और दायरे को स्पष्ट किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद मामले में पति को राहत देते हुए कहा कि मामले को हमेशा पत्नी के पक्ष में ट्रांसफर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही जस्टिस निधि गुप्ता की पीठ ने एक पति जो कि ब्रेन कैंसर से पीड़ित द्वारा दायर ट्रांसफर याचिका को स्वीकार कर लिया। पत्नी द्वारा गुरदासपुर में दायर मामले को लुधियाना अदालत में ट्रांसफर करने का आदेश दिया। दरअसल पत्नी ने सिविल जज जूनियर डिवीजन गुरदासपुर की अदालत में प्रतिवादी पति को निर्देश देने की मांग करते हुए अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा दायर किया था। लुधियाना में सक्षम क्षेत्राधिकारी की अदालत में मामले को ट्रांसफर करने की मांग करते हुए पति ने इस आधार पर हाईकोर्ट का रुख किया कि वो ब्रेन कैंसर से पीड़ित है और उसके लिए यात्रा करना असंभव है। उनके वकील ने ये दिखाने के लिए उनके चिकित्सा और उपचार रिकॉर्ड का उल्लेख भी किया और बताया कि उनका उपचार चल रहा है। दूसरी तरफ पत्नी ने पति के ट्रांसफर की याचिका का ये तर्क देकर विरोध किया कि याचिकाकर्ता पति के पिता लुधियाना में वकालत करते हैं और इसलिए वो लुधियाना में याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के हाथों में खतरे की आशंका जता रही है। वर्तमान मामले में परिस्थितियों के संबंध में कोर्ट ने कहा कि जब प्रतिवादी पत्नी द्वारा याचिकाकर्ता पति की स्वास्थ्य स्थिति को इनकार नहीं किया गया तो यह सबसे न्यायसंगत और उचित होगा कि वर्तमान ट्रांसफर याचिका की अनुमति दी जाए। अदालत ने कहा इस तरह के मामलों में कानून की प्रधानता पत्नी के पक्ष में है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ट्रांसफर हमेशा पत्नी के पक्ष में होता है। इस प्रकार वर्तमान मामले की असाधारण परिस्थितियों में कोर्ट ने याचिका को सशर्तों पर अनुमति दी है। वहीं अतिक्रमण मुद्दे पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को अतिक्रमणकारी बताकर उसे विस्थापित करना समस्या का हल नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण के मुद्दे पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है और सिर्फ बुलडोजर चलाना इसका हल नहीं है। मुंबई स्थित एकता वेलफेयर सोसायटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये बातें कही। एकता वेलफेयर सोसायटी को रेलवे द्वारा नोटिस जारी किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि एक सोसायटी के निवासियों ने रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण किया। कोर्ट ने पश्चिमी रेलवे, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी और बीएमसी से पूछा कि क्या उनके पास कोई रिहैबिलिटेशन पॉलिसी है और अगर है तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ लोगों को अतिक्रमणकारी बताकर उन्हें विस्थापित करना समस्या का हल नहीं है। ये गंभीर समस्या है और ये विस्थापन की समस्या है। कई बार विस्थापन का असर सोच से भी परे होता है। इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है और सिर्फ बुलडोजर तैनात करना काफी नहीं है। पश्चिमी रेलवे ने 7 फरवरी तक 101 अवैध निर्माणों को गिरा दिया। कोर्ट ने कहा कि पश्चिमी रेलवे ने अवैध निर्माण को तबाह करते समय दिसंबर 2021 में दिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार अवैध निर्माण को तबाह करने से पहले वहां रहने वाले लोगों और उस निर्माण का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। साथ ही अगर स्थानीय सरकार की कोई पुनर्वास नीति है तो प्रभावित लोगों को उसके तहत अप्लाई करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि रेलवे ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करते समय कोई सर्वे नहीं कराया, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ है। हाईकोर्ट अब इस मामले पर 1 मार्च को सुनवाई करेगा।
चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंडअप।